ओके तो गाइस इस वीडियो में आप लोग सीखोगे कुछ इस तरीके का सीबी फोटो एडिटिंग करना। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में मैंने कुछ ऐसे नए ट्रिक यूज करे हैं एडिटिंग के जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो इसलिए गाइस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। एंड गाइस अगर आप वीडियो एंड तक वॉच करोगे ना तो भाई कसम से कह रहा हूँ आपका भाई इस वीडियो में आप लोगों का दिल खुश कर देने वाला है आप लोगों का। एंड गाइस अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच नहीं करा है, इससे मैंने पहले अपलोड करा था ये वीडियो, तो आप लोग गाइस इस वीडियो के बाद जाके चैनल पेज पे जरूर से वॉच कर लेना, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता रखे हैं एडिटिंग के, आप लोगों के लिए हेल्पफुल वो भी हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो पे सबसे जो प्यारा कमेंट आया था ये आया था जो कि यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई। अगर आप लोगों को भी इसी तरह शाउट आउट चाहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा। जिसका भी मुझे अच्छा कमेंट लगेगा मैं उसका शाउट आउट अपने नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। और गाइस मुझे साथ ही आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फर्स्ट स्टेप में गाइस सीखेंगे हम अपने फोटो का, खुद के फोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना और उसको सीबी एडिटिंग की तरह एकदम बैकग्राउंड को बनाना, ठीक है। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको लाइटरूम में अपने फोटो को ओपन करना है एंड फोटो गाइज यहाँ पर 4x5 के साइज़ में आपको क्रॉप कर लेना है। इतना तो गाइज आता ही होगा इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे फास्ट दिखा रहा था। अब गाइज यहाँ पर हम मेन वर्क करेंगे, तो सबसे पहले गाइज हमारे फेस पे यहाँ पर देख सकते हो एक्नेस बहुत सारे दिख रहे हैं, तो इनको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए गाइज हीलिंग टूल का यूज़ करेंगे एंड गाइज इस तरीके से हम जहाँ पर भी हमारे फेस पे एक्नेस वगैरह पिंपल वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पर हम टिक करेंगे तो हमारा पिंपल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ओके अब गाइस हम थोड़ा बहुत फोटो में पहले लाइटिंग का एडजस्टमेंट करेंगे जो कि यार बेसिक करना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है वो। तो गाइस चलेंगे लाइट वाले ऑप्शन में एंड मैं तो अपने फ़ोटो में यहाँ पे लाइटिंग का एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि पहले से लाइटिंग एडजस्टमेंट मेरे फ़ोटो में बहुत अच्छा है। एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर करूँगा हाईलाइट को पूरा कम, शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज एंड सिंपल डन। ओके अब गाइस यहाँ पर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आऊँगा एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं डीहेज को बढ़ा दूंगा जिससे हमारे फ़ोटो में भाई टोन जो है ना एकदम मतलब डबल हो के आएगा जो भी हम करेंगे, ठीक है अपने फ़ोटो में। और ये टेम्परेचर टिंट वगैरह देख रहे हो ना पहले से सेट है, ये गाइस मैंने अपने फ़ोटो को रो मोड पर क्लिक करा है इस वजह से ये पहले से सेट है, तो आप लोग भी रो मोड पर क्लिक करा करें ये पहले से सेट होगा फिर आपका। एंड गाइस कलर में आके गाइस ऑरेंज कलर का हम जो है ल्यूमेंस बढ़ा देंगे जिससे हमारा और फेस का कलर इन्हेंस हो जाएगा। एंड बाकी गाइस हम दो कलर का येलो और ग्रीन का ह्यू 100% माइनस कर देंगे एंड सैचुरेशन बढ़ा देंगे, हमारे बैकग्राउंड का कलर येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड गाइस फोटो को हम सिंपल यहां से कर लेंगे सेव। ओके सेव करने के बाद गाइस अपने फ़ोटो को गाइस हम डिलीट कर लेंगे यहां से लाइटरूम से एंड जो अभी हमने सेव करा उस फोटो को हम ऐड कर लेंगे दोबारा एंड ओपन करेंगे दोबारा से हम लाइटरूम में। दोबारा से ओपन करने के बाद गाइस चलना है आपको कलर वाले ऑप्शन में एंड सीधा चलना है मिक्स कलर में आपको एंड यहाँ पर येलो कलर पे आना है। येलो कलर का ह्यू पूरा 100% माइनस करोगे तो भाई आपका बैकग्राउंड कलर बहुत ही चेंज हो जाएगा अच्छे से एंड सैचुरेशन को बढ़ा लेना जितना आपको कलर चाहिए। एंड ग्रीन कलर का भी हम सेम कर देंगे। ओके देख सकते हो हमारे बैकग्राउंड में भाई कोको कोला वाला कलर आ चुका है जिसको हम ब्राउन कलर भी कह सकते हैं एंड सिंपल यहाँ से डन कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पे हम अपने फ़ोटो में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ से आप अपने फ़ोटो को मैं यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लूँगा। एक्सपर्ट करना है गाइस कभी भी आप फोटो सेव करते हैं तो सेव टू डिवाइस मत करिएगा। चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में गाइस हम अपने फेस को स्मूथ करना सीखेंगे, तो फेस को स्मूथ करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पर अपने फ़ोटो को जो है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है एंड सिंपल यहाँ से गाइस मैं ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ब्रश को स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रश मिलेंगे, तो आपको आना है इस मर्ज वाले ब्रश में एंड इसके अंदर आपको ये वाला ब्रश सिलेक्ट करना है। देखो मेरा फर्स्ट नंबर पे, आपका कहीं पे भी हो सकता है। एंड सेटिंग में आना है एंड गाइस फॉलो एंड स्ट्रेंथ को आपको 2% रखना है, ठीक है ज़्यादा मत रखना। एंड साइज़ तो आप लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हो, देखो लेफ्ट राइट करके साइज़ आप सेट कर सकते हो। ओके एंड इस तरीके से अपने फ़ोटो को मैं जूम करूँगा एंड साइज़ सेट करके स्मूथ करना स्टार्ट कर दूँगा। ओके हमारा प्रॉपर तरीके से देख सकते हो स्मूथ हो रहा है।
अब थर्ड स्टेप में गाइस सीखेंगे अपने फोटो के अंदर हम ऑयल पेंटिंग करना। तो ऑयल पेंटिंग करने के लिए गाइस मैं अपने फोटो को जो है टूल वीज एप्लीकेशन में ओपन करूंगा एंड यहां पर आने के बाद इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। देखो जादू की छड़ी बनी हुई है जो, एंड इसके अंदर गाइस यहां पे सॉफ्ट स्मर्ज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहां पे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे। तो थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर आपके पूरे फोटो पे ऑयल पेंटिंग हो जाएगा। एंड ये पूरे फोटो पे मुझे ऑयल पेंटिंग नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करूँगा एंड इरेजर की मदद से वहाँ से मैं अपने इरेज कर दूँगा जहाँ पर मुझे ऑयल पेंटिंग नहीं चाहिए। आप देखो गाइस पूरा फोटो मेरा परफेक्ट लग रहा है, ऑयल पेंटिंग भी हो चुका है, एकदम फाइनल हमारा एडिटिंग हो चुका है। तो गाइस यही था आज की हमारी वीडियो में, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। देख सकते हो यार फोटो कितना प्यारा सा एडिट हुआ है। तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।